हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आपके एआरओ और आरओ एग्जाम में कह सकते हैं कि आपके 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। बहुत ही सरल टॉपिक होता है, लेकिन थोड़ा सा बारीकियाँ होती हैं जिनको आपको रिविजन के तौर पर आपको देखना होगा। बस रिविजन कर लेंगे तो आपके 10 में 10 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। और लगातार यहाँ पर आपको यहाँ पर आर ओ आर ओ की तैयारी कराई जा रही है। डेली यहाँ पर आपके 4 से 5 वीडियो दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल बारीकी है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, निस्पृह होता है। बड़ा हा मत लगा दीजिएगा, ठीक है, छोटा हा होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चलिए टू का जवाब दीजिए। और हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाया था, वहाँ भी आपको कह सकते हैं कि हमने ऐसे टेस्ट पेपर आपके लगभग सभी करवा दिए थे। तो जो बच्चे डेली यहाँ पर टेस्ट लेते हैं और देते हैं और लगातार जुड़े हैं हमसे, तो उनको हिंदी में तो दिक्कतें कभी भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि 8:30 बजे रात 8:30 बजे को डेली टेस्ट होता है हमारे चैनल पर। तो आप 8:30 बजे डेली टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर टू का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है। कौन सा सी वाला आपको बनेगा? ये वाला सा बनेगा, याद रखिए, ये वाला सा मत लगा दिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी नंबर अनामिका। देखो अनामिका तो बहुत लिखे हैं, लेकिन शुद्ध अनामिका कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दिया हो उसे हम लोग बोलते हैं दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, दामोदर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पीछे चलने वाला के लिए यहाँ पर आपको बताना है एक शब्द, पीछे चलने वाला। और जो पीछे चलने वाला होता है उसके लिए हम बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं? अनुगामी बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुगामी। अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, और जिसके हृदय पर आघात होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मर्माहत, ठीक है, मर्माहत। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, मर्माहत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया है इसके लिए एक शब्द होता है पदच्युत। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसकी कोई कीमत ना हो वहाँ पर वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, थोड़े फास्ट ही रहना है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो, और जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है क्या? अमूल्य होता है, ठीक है, अमूल्य होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर भी हो जाएगा, अमूल्य। अगला प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए यहाँ पर बताना है शब्द। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, चलिए, और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को बोलते हैं मिताहारी। क्या बोलते हैं? मिताहारी। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मिताहारी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अंतेवासी। वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पतियुक्त स्त्री को एक शब्द बताइए। पतियुक्त स्त्री को, और पतियुक्त स्त्री को बोलते हैं सधवा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सधवा हो जाएगा, ठीक है, जिसका पति जीवित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा कौन लगाता था? तो आपके कौन से? नारद जी, ठीक है, नारद जी। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, सिर्फ लड़ाइयां कराते थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसे क्वेश्चन पूछा है कि तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग होता है। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए, इसे बोला जाता है अक्षत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अक्षत कहते हैं, ठीक है, अक्षत। अगला प्रश्न है
कि जिसका जन्म छोटी जात में अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द बताइए। जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनेगा और ये शब्द कहलाएगा अंत्यज। क्या बोले जाएंगे? अंत्यज। और कौन सा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा? अंत्यज। अगला प्रश्न है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? 15 नंबर। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी नंबर अंतःपुर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? अंतःपुर बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो यहां पर बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वाचाल। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, वाचाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके सर पर चंद्र हो और जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर बोलते हैं। वेरी गुड, इसी प्रकार से तैयारी होना चाहिए, बिल्कुल धनाधन ऑप्शन यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे बोलते हैं निर्मम। क्या बोलते हैं? निर्मम। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, निर्मम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं हम लोग असाध्य बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। और जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अजेय। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द होता है? तो याद रखिए जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। छोटा ओ की मात्रा लगी होती है, देखो जिज्ञासा ये लिखा है, जिज्ञासु ये है, तो जवाब यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको बताया था, तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा बोलते हैं, पतियुक्त पत्नी या कह सकते हैं जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग सधवा बोलते हैं। अगला प्रश्न है जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द बताइए। जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके इसके लिए शब्द बनता है अक्षय। क्या बनता है? अक्षय। ठीक है, अक्षय पात्र का नाम सुना होगा जो कभी खत्म ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला, चलिए जवाब दीजिए। चलिए तो 25 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाश्वत बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला होता है उसे शाश्वत बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इसके लिए शब्द बोलते हैं विपत्नी। क्या बोलते हैं? विपत्नी बोलते हैं साथियों। ठीक है, वियोगी मत बोल देना, विपत्नी होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विपत्नी। अगला प्रश्न है जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? 27 नंबर का जवाब दीजिए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए शब्द बोलते हैं असुर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला, ठीक है, डी वाला होगा, असूर्य पश्या। ठीक है, असूर्य पश्या, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द आपसे पूछा गया है और इसके लिए शब्द बनेगा आपका युधिष्ठिर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए बोलते हैं क्या? 29 नंबर, उसे अपत बोलते हैं। ठीक है, अपत बोलते हैं, याद रखिएगा अपत। ठीक है, पर्णहीन मत बोल दीजिएगा, पर्णहीन मतलब बिना पत्तों का ही पेड़ होगा, ऐसा कोई पेड़ नहीं बिना पत्तों, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर अपत जिसके पत्ते झड़ गए हों और आने वाले होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि तैरने की इच्छा करने, तैरने की इच्छा को कहते हैं, जो तैरने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं क्या? तितीर्षा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तितीर्षा बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलेंगे?
31 के जवाब दीजिए साथियों, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं उसे? अनाहूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एक शब्द बताना है और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं मुमुच्छ। क्या बोलते हैं साथियों? मुमुच्छ बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मुमुच्छ। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़ चुके इतने लोग हो गए हो तो वीडियो तो लाइक कर दिया करिए। आप लोग वीडियो लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत हुआ करती है आपको। चलिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, 33 नंबर, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहते हैं क्या? नेपथ्य बोलते हैं। याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा, नेपथ्य बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द। फटाफट यहां पर रिवीजन करना है, फटाफट। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शुद्ध शब्द बनेगा वो आपका बनेगा यहां पर समिधा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उसे हम लोग समिधा बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द, अर्थात पेट की अग्नि के लिए जो शुद्ध शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? चलिए यहां पर 35 का जवाब दीजिए। पेट की अग्नि को, पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़वाग्नि बोलते हैं समुद्र में आग लगने को, और दावाग्नि बोलते हैं जो जंगलों में आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकिंचन, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अकिंचन बोलते हैं। अगला है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, दिगंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, साथियों चलिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनेगा आपका कानीन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कानीन, ठीक है, कानीन। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए उपभोग के लिए दी जाती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पाथेय। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पाथेय बोलते हैं, ठीक है, पाथेय। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय, आधी रात का समय के लिए क्या बोलेंगे? चलिए, आधी रात का समय जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर निशीथ। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, इसे निशीथ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द बताइए। स्वयंसेवक, स्वयंसेवक मतलब क्या होता है? स्वयंसेवक मतलब होता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं? तो यहां पर 42 को ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, अंतेवासी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतेवासी। अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं? हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन, चलिए 43 नंबर, तो 43 को ऑप्शन राइट याद रखिएगा, उसे हौदा बोला जाता है, ठीक है, हौदा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अप्रमेय। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इसे अप्रमेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द बताइए। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए शब्द क्या बनेगा? तो 45 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका औपनिवेशिक। क्या बनेगा साथियों? उसे औपनिवेशिक कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द बताइए। आसुर, इस देखिए यहाँ पर दिया गया है, आसुर मस्पस्या, इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आसुर स्पस्या, है ना, लेकिन यहाँ पर मा शब्द जोड़ दिया गया है, मां शब्द जोड़ दिया गया है, तो इस प्रश्न का जवाब अब भी बदल जाएगा। 46 का जवाब यहां पर डी हो जाएगा, रविनाश के कड़े में रहने वाली स्त्री, ठीक है, रनिवास में कड़े में पर्दे, कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर यहां पर मां शब्द ना लगा होता तो हम लोग क्या बोलते कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं अंतर हो जाता है। और अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। 47 का जवाब, 47 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहां पर उसे बोलते हैं रिक्त, क्या बोलते हैं उसे? रिक्त बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। गिरा हुआ, और गिरा हुआ के एक शब्द होता है उसे हम बोलते हैं पतित, याद रखिए क्या बोलते हैं उसे? पतित बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहां पर ए हो जाएगा। और फास्ट आंसर दीजिए। चलिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कृतार्थ, क्या बोलते हैं इसे? कृतार्थ बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा, कृतार्थ बोलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द, जो नियम विरुद्ध कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काली सूची। ठीक है, यहां पर वालों की सूची पूछा है ना, तो आपका काली सूची बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द बताइए। जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो नभ में चलता है इसके लिए शब्द बनेगा आपका खच्चर, क्या बनेगा साथियों? इसका बनेगा खच्चर। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के ज्ञाता को, ज्ञाता के लिए क्या बोलेंगे? व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द। चलिए साथियों, वीडियो भी लाइक करते चलिए सभी लोग साथ में जो आते जाएं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण, ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं। अगला है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कहना, और जो बढ़ा चढ़ाकर कहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द बताइए। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए शब्द बताइए। 54 नंबर, और 54 नंबर का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकारों को बोलते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं बोलते हैं, नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी हो जाएगा। अगला है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? अभी प्रश्न आया था कि पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, तो उसे जठराग्नि बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जठराग्नि। अगला है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे क्या बोलेंगे? तो बच्चों को सुलाने के लिए उसे लोरी बोलते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे लोरी बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द बताइए। किसी दूसरे में, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी, क्या बोलते हैं इसे साथियों? इसे प्रतिस्पर्धी बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कि जो जाकर पुनः आ गया हो, वो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जो जाकर पुनः आ गया हो, तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, प्रत्यागत, मतलब आगत शब्द छुपा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, प्रत्यागत, या आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर पुनरुक्ति मतलब क्या होता है? कि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति होता है, या हम लोग एक और शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिष्ट पेषण। याद रखिए, हमने कई बार आपको बताया भी है कि पिष्ट पेषण भी आपका होता है, पिष्ट पेषण कहा जाता है, अगर मालूम पुनरुक्ति नहीं होता है तो पिष्ट पेषण आपको जरूर मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कही हुई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कहते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसे प्रवासी कहते हैं। याद रखिए, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिए, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुमुच। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? चलिए, तो यहां पर देखिएगा, आपका ऑप्शन आ रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर आपका दिया गया है दुष्प्राय दिया गया है, और आपका दुर्लभ दिया गया है। याद रखिए, इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए और आपका बी दोनों है। याद रखिएगा कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो, है ना, यहाँ पर दुष्प्राय एवं दुर्लभ दोनों होगा। आप क्या कह सकते हैं कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में भी आपका दिया गया है, और आपके आयोग ने भी इसको सही माना है। तो याद रखिए, इनका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत कम बरसात हो, और जब बहुत कम बरसात होती है तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे बोलते हैं अल्पवृष्टि, क्या बोलते हैं? अल्पवृष्टि बोलते हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। और जब बारिश होती ही नहीं है, अर्थात
यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्षा जब नहीं होती है तो उसे बोलते हैं अनावृष्टि बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वृष्टि किसे कहते हैं, वर्षा होना उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो चारों पॉइंट क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा इसे बोलते हैं पाथेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पाथेय बोला जाता है, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संसार में संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा, इस संसार में संबद्ध इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे हम लोग ऑप्शन सी, इसे सांसारिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, सांसारिक कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगर बोले कि एहिक क्या होता है, एहिक एहिक मतलब होता है कि यहां पर जो इस लोक से संबंधित हो उसके लिए एहिक कहा जाता है, एहिक कहा जाता है, और जो इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक बोल दिया जाता है, अलौकिक उसे बोलते हैं, जो इस लोक में या इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया है गंगा का उद्गम स्थान, और गंगा का जो उद्गम स्थान होता है वो आपका कौन है भाई, तो गंगोत्री है, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द, चलिए आठ का जवाब दीजिएगा। तो देखिए ये होती है जो लोगों से, तो लोग हो गया जन, और सुनना मतलब श्रुति, तो जन श्रुति कहते हैं, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो लोकोक्ति हमने आपको पढ़ाया, लोकोक्ति मतलब होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को हम लोग उक्ति कहते हैं। अनुमोदन आपने सुना होगा कई बार, अनुमोदन मतलब होता है कि किसी मत या प्रस्ताव का जो समर्थन होता है उसे अनुमोदन कहा जाता है। और पांडुलिपि क्या होती है, तो पुस्तक की हाथ से लिखित, है ना, मतलब हस्तलिखित प्रति जिसे कहते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो तुरंत कोई युक्त सोच ले उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर, इसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जो सब कुछ जानता है भाई, जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ। और दूरदर्शी किसे कहते हैं, जो आगे की या दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर देख सकते हैं निर्दय दिया गया है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, तो देखो यहां पर आपका हो जाएगा निर्दय नहीं होगा, यहां पर आपका हो सकता है कौन सा भाई, जिसके हृदय में मन, मतलब ये तो हो गया निर्दय वाला, जिसे जो किसी से डरता नहीं है तो ये तो आपका निर्भीक होता है, लेकिन जिसके हृदय में ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम, यहाँ पर निर्मम होगा भाई, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर निर्मम होता है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं, ठीक है। और जिसके हृदय में ममता ना हो गया, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं, ठीक है ना। और जो किसी से डरता नहीं है, उसे निर्भीक कहते हैं, क्या बोलते हैं, निर्भीक कहते हैं। और यहाँ पर आपका क्या बचा है, यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जो जोता बोया ना गया हो वाक्यांश के लिए सही वाक्य बताना है। जो जोता बोया ना गया हो उसे कहते हैं आकर्षित, क्या बोलते हैं, आकर्षित बोलते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ऊसर किसे कहते हैं, जिस भूमि में कुछ पैदा ही नहीं होता है उसे ऊसर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सब कुछ खाने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइएगा, जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वभक्षी कहते हैं, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, सर्वभक्षी कहा जाता है, ठीक है, सर्वभक्षी हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाग्राही किसे कहते हैं, सब कुछ ग्रहण करने वाले को सर्वाग्राही कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, स्थावर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे हम लोग स्थावर बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है सदावर्त बोलते हैं, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। तो देख सकते हैं कि आप लोग भी स्कूल में पढ़े होंगे, जब आपको 10 पास या इंटर हो जाते हैं, जब आप कह सकते हैं डिग्री कॉलेज में कहीं जाते हैं, मतलब समझ सकते हैं ना, हाई स्कूल इंटर के बाद विदाई होती है, इसे कहा क्या जाता है। चलिए यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, इसे बोलता है समावर्तन, क्या आंसर बनेगा, डी नंबर, समावर्तन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो विद्या जानता हो उस वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जो विद्या जानता हो, जो विद्या जानता, सॉरी माफ करिए, जो विज्ञान जानता हो ना, जो विज्ञान जानता हो उसके लिए क्या होता है, तो उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है ना। और जो परलोक से संबंधित है उसके लिए परलौकिक होता है, जो परलोक से संबंधित है उसे परलौकिक कहते हैं, और सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ कहते हैं। तो आप लोग जानते ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस्तबक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है। इस तबक इसे किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो याद रखिएगा जो फूलों का गुच्छा होता है, फूलों का जो गुच्छा होता है उसके लिए इस तबक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भग्नावशेष। क्या बोलते हैं, भग्नावशेष बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अच्छा, खंडहर किसे कहते हैं, जो लोग खंडहर कह रहे हैं, खंडहर क्या होता है, जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं, ठीक है, जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनाहूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और जिसे यहां पर जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं, ठीक है, जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। और यहां पर विरोधी, तो आप लोग जानते हैं भाई कि विरोध करने वाला है ना, या विरुद्ध में पढ़ने वाला कि विरोधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है। भूगर्भ विज्ञान का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा भूगर्भ विज्ञान में आपका दिया है भूचर, भूगर्भवेता, भूपाल, भूधर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूगर्भवेता कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका दिया गया है, आपका भूधर किसे कहते हैं, जो भूमि को धारण करने वाला होता है, जो भू को या भूमि को धारण करने वाले को भूधर कहते हैं, और भू पर चलने वाले जीव को, भू पर चलने वाले जीव को भूचर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो, और जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि अपरिग्रह किसे कहते हैं, तो आवश्यकता से अधिक धन को जो ग्रहण करता है, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाले को अपरिग्रह कहा जाता है, ठीक है। अश्लील किसे कहते हैं, तो जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो या घिनौना हो उसे अश्लील कहते हैं, ठीक है। उदासीन क्या होता है, जिसका मन जगत से उचट गया हो, जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो वीडियो को दो बार आपको देखना पड़ेगा, जो दो बार देखोगे तो आपको 100% आपको पूरा का पूरा ज्ञान होगा, नहीं तो हम आंसर बताते जाते, क्वेश्चन पढ़ने जाते, हमें क्या दिक्कत था, ठीक है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते, लेकिन अगर चारों ऑप्शन को पढ़ लोगे तो भैया आपका तो भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए, किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, चलिए देख लेते हैं कौन सा वाक्यांश के लिए गलत का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है, नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं, सही दिया गया है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, भी सही दिया गया है। बीमार का इलाज करने वाला दिया गया है निरोगी, और बीमार का इलाज करने वाला वाक्यांश के लिए होता है चिकित्सक होता है। क्या होता है भाई, चिकित्सक होता है, निरोगी नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। और छिपाने योग्य बातों को गोपनीय कहते हैं, ठीक है, आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, जिसके सिर पर चंद्रमा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चलिए यहाँ पर दिया गया है चक्रधार, चक्रपाणि, या इनमें से क्या हो सकता है भाई, तो देखो चंद्रचूड़, यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, चंद्रचूड़ कहा जाता है। और जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, और जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाण कहते हैं। दोनों पॉइंट देख सकते हैं कि बड़ा अंतर होता है चक्रधर और आपका चक्रपाणी। जिसके जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, और जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाण कहते हैं। और चक्रवर्ती ब्याज तो भाई आप लोग जानते हैं कि ब्याज का हुआ, जिसमें मूल के ब्याज में भी ब्याज लगता है उसे मूल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे बोलते हैं वाचा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाचाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जिसने इंद्रियां जीत ली हूं, जिसने इंद्रियां जीत ली हूं वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है क्या हो जाएगा 24 नंबर में। तो चलिए, जिसने इंद्रियां जीत लिया हो उसे कहते हैं हम लोग यहां पर क्या भाई, जितेंद्रिय बोलते हैं क्या, जितेंद्रिय। और दिया गया जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बी नंबर हो सकता है इसमें, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, देखो यहां पर जितेंद्रिय हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इंद्रजीत किसे कहते हैं, जिसने इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। और जिसने इंद्रियां जीत ली हो, जिसने इंद्रियां जीत ली हो उसे हम लोग, अच्छा इंद्रियां तो पूछा था, तभी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, अंधानुगामी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करता है उसे बोलते हैं
माफ करिए, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अनुगामी किसे कहते हैं, अनुगामी, अनुगामी आपने पढ़ा होगा कि पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए जो रोगी की चिकित्सा करे उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, चिकित्सक होता है, ठीक है। सी नंबर, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही बनेगा, चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए 27 नंबर में, हरावल के लिए होता है यहाँ पर सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है, प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है 28 नंबर में, तो प्रष्टव्य मतलब होता क्या है, प्रष्टव्य मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बन सकता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूछने योग्य, क्या होता है, पूछने योग्य होता है। और जो देखने योग्य होता है, देखने योग्य को बोलते हैं दर्शनीय बोलते हैं, पूजने योग्य को बोलते हैं पूजनीय बोलते हैं, सुनने योग को बोलते हैं श्रव्य या कह सकते हैं श्रवणीय बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, देखिए कोई पहाड़ है और उसकी समतल भूमि है उसे क्या कहा जा सकता है, तो इसे कहते हैं अधिकता, क्या बोलते हैं, अधिकिका बोलते हैं, कौन सा बी वाला हो जाएगा, अधिका, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सदावर्त, सदावर्त किसे कहा जाता है, सदावर्त किसे कहते हैं, यहाँ पर आपका जवाब देना है, सदावर्त मतलब होता है जहाँ मुफ्त खाना बांटता है, बांटा जाता है, यहाँ पर देखो आपको अभी हमने बताया भी था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जहाँ मुफ्त खाना बांटता है उसे सदावर्त कहते हैं, और जो आसानी से पचता है, जो आसानी से पचता है उसे सुपाच्य कहते हैं, और जो सब कुछ खाने वाला होता है उसे सर्वभक्षी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो कुछ नहीं जानता हो वाक्यांश के लिए, यहाँ पर सही बताना है क्या हो जाएगा, जो कुछ नहीं जानता है, और जो कुछ नहीं जानता तो भैया उसका काम क्या होगा, तो यहां पर क्या काम हो जाएगा, अज्ञ होता है, उसे अज्ञ कहते हैं, याद रखिए उसे अज्ञ कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता है, है ना, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए सही आपको बताना है क्या हो जाएगा शब्द, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, और जिसके हृदय में दया ना हो, दया ना हो तो उसे निर्दय कहा जाता है, जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति होता है उसे सहिष्णु कहते हैं, और जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो उसे अहिष्णु बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, यहां पर देख सकते हैं, तो आपका आंसर अब हो जाएगा आसुरम पश्या, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और विदुषी किसे कहते हैं, विदुषी किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सब लोग, ठीक ठीक है, विदुषी किसे कहते हैं आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग संविदा कहते हैं, संविदा याद रखिए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं स्वावलंबी, क्या हैं, स्वावलंबी बोला जाता है, याद रखिएगा, और जो स्वयं पर निर्भर होता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है, 36 नंबर का जवाब दीजिए, अप्रमेय बोलते हैं किसे, जो तौला या मापा ना जा सके, जो तौला या मापा ना जा सके, और एक और भी होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, मतलब इस प्रश्न के ऑप्शन में ए वाला और सी वाला ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा अप्रमेय शब्द आपका हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर जो दिया है ए और सी दोनों ही सही किया है, याद रखिए ये 2017 आपके आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था प्री एग्जाम में, दोनों आपके ऑप्शन सही किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, किसी पर विजय प्राप्त करने वाला, जो किसी पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका जिगीसु हो जाता है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, जिगीसु कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो जीत लिया जाए, जो जीत लिया जाए उसे विजित कहते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए क्या बनेगा, पैर से सिर तक के लिए क्या होता है, तो आपका होता है अपाद मस्तक, कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा, अपाद मस्तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात को आग्रह करने वाले के लिए क्या प्रयोग करेंगे, चलिए अनुचित बात पर आग्रह जो करता है उसे बोलते हैं दुराग्रही, दुराग्रही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा,
तो भाई जिसकी पहले से आशा नहीं होती है उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए नंबर हो जाएगा, अप्रत्याशित बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर बताइए क्या जवाब उनका बन सकता है। तो जिसका वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रेषित पतिका हो जाता है। और जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे अब बोलते हैं आगत पतिका बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और नहोड़ा शब्द क्या बोलते हैं? तो उस स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका अभी अभी विवाह हो, उसे नहोड़ा कहते हैं, नहोड़ा कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो, जब जाने वाला होता है उसे तो प्रवत्य पतिका बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे क्या कहेंगे? तो भैया राज्य के द्वारा निकाला जाता है वो अध्यादेश होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे क्या प्रयोग करेंगे? याद रखिए स्त्रैण बोल देते हैं, स्त्रैण बोल देते हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो भैया वचन दिया गया है तो जरूर भी वचन निभाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग वाग्यदत्ता, वाग्यदत्ता ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्यांश के लिए सही क्या बनता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा विस्थापित। क्या हो जाएगा? विस्थापित ऑप्शन बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मरणासन अवस्था वाले के लिए क्या बोलते हैं? मरणासन अवस्था, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए मुर्मुर्स, कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्मुर्स हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मरने की इच्छा को देखो एक होता है मुर्मुर्सा, क्या होता है? मुर्मुर्सा, मतलब ये इसी प्रकार से होगा, लास्ट में बड़ा सा हो जाता है, तो वो मरने की इच्छा होती है, ठीक है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मुर्मुर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक उत्तर, है ना। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा भाई? सवाल जवाब करना क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सही वाक्य क्या होगा? जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दुराभिसंधि। दुराभिसंधि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसके जिसे जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं, ठीक है। दुरतिक्रम पूछा गया है तो याद रखिए जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, याद रखिए जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मदिरा पीने का प्याला, जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक।